नमस्कार वंसल रेसिपी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको आलू भुजिया सेव के पराठे बनाना बताएंगे। ये पराठे बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं, बच्चों को तो बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। इसलिए हमने लिया है आटा, जैसे हम रोटी के लिए आटा उसनते हैं वैसे हमने लो बनाकर तैयार कर लिया है। 2 से 3 बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक आलू भुजिया सेव, लाल मिर्च पाउडर, भुना हुआ जीरा, स्वाद अनुसार सेंधा नमक, बारीक कटी हुई हरी धनिया पत्ती। सबसे पहले हम एक बाउल में इन सभी चीजों को डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। इन सभी चीजों को डालकर अच्छे से मिक्स करें। मिक्स हो चुका है, अब हम इससे पराठे बनाएंगे। पराठे में भरने के लिए स्टफिंग तैयार है। अब हम आटे से लोई बनाकर इसको थोड़ा मोटा बेलेंगे और जो हमने स्टफिंग बनाकर तैयार की थी उस स्टफिंग को इसके बीच में रखें और इसको इस तरह से उठाकर फोल्ड करते हुए कवर करें और इसको फिर से बेल दें। इसको मोटा ही बेलें। अब हमने गैस पर एक पैन रखा है, पैन को गरम करके उसके ऊपर इस पराठे को डालें, इसको पलटें और इसको तेल लगा ग्रीस करें और पलट दें। अब हम दूसरी साइड भी इस पे तेल लगा के इसको ग्रीस करेंगे। इसको हल्का ब्राउन होने तक अच्छी तरह से सिकने दें। इसी तरह से हम सारे पराठे बनाएंगे। ये सिक रहा है तब तक हम एक और तरह का पराठा बनाना देखते हैं। इस तरह से लोई लें और उसको बेल लें और एक चाकू की हेल्प से बीच में से कट करें और जो हमने स्टफिंग बनाई थी उसको इस तरह से साइड में रखें। ये पराठा बच्चों के लिए है, उनको नए नए शेप पसंद आते हैं, इस तरह से बच्चों के लिए समोसा पराठा बनाएं। और इस तरह से दबा दें, बच्चों को ये शेप बहुत पसंद आएगा। पराठा सिक चुका है, समोसा पराठे को भी हमने पैन पर डाल दिया है और इसको भी उसी तरह से सेकेंगे। समोसा पराठा भी सिक चुका है, पराठे बनकर तैयार है। आप भी इस तरह से आलू भुजिया सेव के पराठे बनाइए, ये बहुत यम्मी लगते हैं और इसको केरी का अचार, नींबू का अचार या दही के साथ खाएं। ये बच्चों को बहुत ही पसंद आएंगे, आप बनाकर जरूर देखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।